काउंसलिंग का रिजल्ट कैसे डाउनलोड होगा और डाउनलोड करते समय आखिर कौन कौन से गलती को नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इस गलती को कर देंगे तो जो आपका जीवन है वो बर्बाद हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ये भी जानेंगे कि जो आप लोग का काउंसलिंग का रिजल्ट है आखिर आज कितने बजे तक आ जाएगा। इसके बाद आप लोग ये भी जानेंगे कि जिनका फर्स्ट राउंड में कोई भी पॉलिटेक्निक अलॉट नहीं होगा वो आगे क्या करेंगे, और आप लोग ये भी जानेंगे कि अगर फर्स्ट राउंड में आपको आपके मन के मुताबिक पॉलिटेक्निक नहीं मिला, ब्रांच नहीं मिला, तब आप लोग आगे क्या करेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप सभी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं एक ही वीडियो के माध्यम से। तो अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं, जो आप लोग का रिजल्ट है जिसका काउंसलिंग हो चुका है वो आज ही पब्लिक होने वाला है। तो क्या हुआ था, काउंसलिंग रिजल्ट को डाउनलोड करते समय जो मैट्रिक वाले हैं स्टूडेंट थे वो कुछ गलतियां कर दिए थे, तो वही गलती आप सभी को बताने वाले हैं ताकि आप लोग उस गलती को ना करो। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे और अपना घंटा और मिनट दोनों काट रहे होंगे कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपको मालूम चलेगा कि आपको कौन से पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच मिला है। सेम कंडीशन मेरी भी साथ ऐसा ही हुआ था। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को बता दे कि रिजल्ट कैसे डाउनलोड होगा। देखिए रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप सभी को BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहाँ पर लिखा होगा DECLE अलॉटमेंट लेटर, तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा यूजर आईडी और पासवर्ड, तो आप सभी का काउंसलिंग के समय जो पासवर्ड बना होगा वही रहेगा पासवर्ड। जो आपका यूजर आईडी है उसमें आप सभी को अपना रोल नंबर मतलब डालना है, उसके नीचे आप सभी को सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पर या जीमेल पर एक OTP जाएगा, OTP को वेरीफाइड कीजिएगा, फिर आपको बता देगा कि आपको कौन से पॉलिटेक्निक में कौन सा ब्रांच अलॉट हुआ है। आखिर गलती क्या नहीं करना है, ठीक है आप सभी को बता देते हैं। देखिए आप लोग का काउंसलिंग हो गया है, जब रिजल्ट आएगा ना और आप लोग जाएंगे वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए तो वहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा। पहला ऑप्शन दिखेगा फ्रिज का, दूसरा ऑप्शन दिखेगा अपग्रेड का। तो अगर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज पसंद है वहाँ पर एडमिशन लेना है उसके बाद ही आप लोग फ्रीज कीजिएगा। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, यानी आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। अगर आपको पॉलिटेक्निक जो कॉलेज है पसंद नहीं है, आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, तो आपको क्या करना होगा, अपग्रेड कर देना होगा। अपग्रेड करने का मतलब ऊपर की ओर, जो आपको नीचे वाला पॉलिटेक्निक मिला है ना जो अगला राउंड होगा उसमें ऊपर की ओर चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि जो गलती मैट्रिक वाले स्टूडेंट किए थे वो गलती आप लोग नहीं करेंगे। अगर आप लोग अपग्रेड कर देते हैं फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा। अगर आप लोग वेरिफिकेशन में नहीं जाएंगे तो सेकेंड लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं आएगा। रहा बात कि जिनको फर्स्ट राउंड में पॉलिटेक्निक और ब्रांच नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे, क्या उनका फिर से होगा च्वाइस फिलिंग, तो नहीं, आप लोग सीधे सेकेंड राउंड का वेट करेंगे। जिनको भी पॉलिटेक्निक कॉलेज लॉट नहीं होगा तो आपको घबराना नहीं है, फिर से काउंसलिंग नहीं होता है, आपको सीधे सेकेंड राउंड का वेट करना होगा। और आप सभी को बता दे जो आपका रिजल्ट है वो आज दोपहर 2 बजे के बाद कभी भी पब्लिक हो जाएगा BCEC के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो कुछ गलती मैट्रिक वाले स्टूडेंट किए थे तो सोचे कि आप लोग को जो गलती किए थे उसको शेयर कर देते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि आपको फर्स्ट राउंड में मैकेनिकल ब्रांच मिल गया लेकिन आप सिविल से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और ऊपर में सिविल है, तो
तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपग्रेड कर दीजिएगा। अपग्रेड करके फुल टेक्निक में जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप लोग नहीं जाएंगे वेरिफिकेशन में तो आपका सेकेंड राउंड में रिजल्ट नहीं आएगा। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए होंगे एक लाइक कर दीजिएगा, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन में कोई भी क्वेश्चंस होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग के रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।